सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में एक बार फिर पेश है लेखक, पत्रकार और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख। तो क्या वो मनुष्य है? यूं तो लगता है कि वो मनुष्य है। उसके दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक मुंह, एक कान वगैरह है। वो भी पैरों के बल चलता है और हाथों से ही खाता है, बल्कि सभ्य होने के कारण छुरी चम्मच से डाइनिंग टेबल पर विराज कर खाता है। रोटी तक कांटे छुरी से काट कर खाने का अभ्यास उसने कर लिया है। वो खाना खुद उठाकर प्लेट में नहीं रखता, 10 लोग उसकी सेवा में लगे होते हैं। फिर किस आधार पर उसे मनुष्य मानने से इनकार किया जा सकता है? तो क्या अंतिम रूप से उसका मनुष्य होना स्वीकार कर लिया जाए? मैं कह चुका हूं कि दिखता वो मनुष्य जैसा है, फिर वो बोलता भी है और धड़ल्ले से हिंदी बोलता है, और बोलता है तो फिर बोलता ही चला जाता है जैसे वो आदमी नहीं बुलेट ट्रेन हो। अगर किसी बात पर चुप रहना चाहता है तो फिर इतना चुप रहता है जैसे बेचारा छोटा बच्चा है, बोलना सीखने में अभी उसे वक्त लगेगा। वो कभी कभी मुस्कुराता भी है, हंसता तो हमेशा है, लेकिन अपने पर नहीं, हम पर, और पूरे 16 घंटे हंसता है। बोलते हुए भी हंसता है, चुप रहते समय भी हंसता है। हंसता है मगर वो नफरत की नाव का खिवैया है। फिर शक की गुंजाइश बचती कहाँ है उसके मनुष्य होने में? जानवर तो नफरत फैला नहीं सकते, क्या अपने आप में ये पुख्ता सबूत नहीं है उसके मनुष्य होने का? मतलब जो भी लक्षण मनुष्य नामक जीव में हो सकते हैं वे सब उसमें हैं। निश्चित रूप से उसकी पूछ नहीं है, पूछ होती तो हम उसे बंदर कह सकते थे, सम्मान से कहना होता तो उसे हनुमान जी कह सकते थे। अरे वो पेड़ पर नहीं रहता, वो घर में रहता है, हालांकि उसे घर कहना भी उसका और उसकी हैसियत का अपमान करना है। दरअसल वो बंगले में रहता है, बंगला भी कोई साधारण नहीं, बंगलों के राजा में रहता है। यानी उसे आदमी माने तो भी वो आपके हमारे जैसा मामूली आदमी नहीं है। फिर हम सवाल ही क्यों उठा रहे हैं कि क्या वो मनुष्य है? क्या किसी का मनुष्य जैसा दिखना, खाना, बोलना उसका मनुष्य होना नहीं है? अरे हाँ, वो तो अपने धर्म को भी मानता है, जाति को भी, उपजाति को भी, गोत्र को भी, ऊंच नीच को भी, इन सबको न लकड़बग्घा मानता है, न शेर, न बंदर, न चींटी। फिर वो कपड़े भी रोज नए नए पहनता है, कमीज की जगह कमीज, पैंट की जगह पैंट, कुर्ते की जगह कुर्ता और पायजामे की जगह पायजामा। वो जो भी पहनता है भद्दा और हास्यास्पद हो सकता है, पर फिर भी पहनता तो है, और मनुष्य के अलावा हास्यास्पद हो भी कौन सकता है? कपड़े पहनकर इतरा भी कौन सकता है? एक मत ये आया है कि उसे मनुष्य ना भी माने, उसे पुरुष तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब संशोधित प्रश्न ये है कि वो पुरुष है मगर मनुष्य नहीं है। अरे क्यों नहीं है? है, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर है, अपने मुल्क के बहुत बड़े पद पर। अब कोई जानवर तो दुनिया में कभी किसी पद पर नहीं पहुंच पाता। क्या हिटलर जानवर था? क्या मुसोलिनी जानवर था? अच्छा, जानवर नहीं साहब, संशोधन कर देता हूँ, क्या ये शेर थे? जानवर शब्द हिटलर और मुसोलिनी के लिए सुनकर भी बहुतों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए मेरा संशोधित प्रस्ताव है ये शेर थे। और अगर जानवरों की भावनाएं उनकी तुलना हिटलर और मुसोलिनी से करने पर आहत हो रही हो तो उनसे भी माफी, और शेर से तो सबसे पहले माफी। तो क्या मान लें कि वो इंसान है? क्या बड़ा पद किसी के इंसान होने का और छोटा पद या कोई पद ना होना उसके इंसान ना होने का सबूत होता है? तो सवाल वहीं का वहीं धरा है कि क्या वो मनुष्य है?
क्या इन आधारों पर आप किसी को मनुष्य मानने को तैयार हैं? आपकी राय सिर माथे पर, मगर मेरी असहमति दर्ज कर लीजिएगा। ऐसे प्राणी को मनुष्य मानने के बावजूद आप इतने मनुष्य तो रह गए होंगे कि मेरी असहमति को दर्ज कर सकें। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी। शीर्षक था, तो क्या वो मनुष्य है? इसे लिखा था लेखक, पत्रकार और कवि विष्णु नागर जी ने। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को नमस्कार।